अस्सलाम वालेकुम क्लासेस, दिस इज़ लेक्चर 27। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने देखा था कि ऐसा टेंस जो उन पास्ट एक्शन को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके थे, वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके थे उनको हमने बड़ी डिटेल से, हमने कल ये तमाम चीज़ें डिस्कस की थी। कल मैंने आपको होमवर्क में फिलिंग ये वाली एक्टिविटी दी थी, आज हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। फिलिंग द स्पेसेस विद द करेक्ट एफओवी इन पेरेंथेसिस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पेरेंथेसिस मैंने बोला था ब्रैकेट में जो वर्ब्स होते हैं। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऐसा टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को यूज़ किया जाए तो हम क्या करते हैं, एडवर्ब। और अगर हमने एडवर्ब यूज़ करना हो तो हम एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंटर में यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने सॉल्व थी और इसमें मैंने आपको बताया था कि गलत सॉल्यूशन हुई हुई है। आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, देन एडवर्ब और देन मेन वर्ब आएगा। नंबर वन सेंटेंस रीड करते हैं, क्रिस्टी हैड ऑलरेडी अडॉप्टेड सेवरल डॉग्स बिफोर शी अडॉप्टेड मॉली। क्रिस्टी पहले ही बहुत से डॉग्स अडॉप्ट कर चुकी थी मॉली को अडॉप्ट करने से पहले। सेथ हैड सेल्डम प्लेड सॉकर फुटबॉल गेम की तरह ही होती है बिफोर ही ट्राइड आउट फॉर हिज स्कूल टीम में ट्राई आउट होने से पहले, इसमें जाने से पहले उसने शादो नादर ही कभी सॉकर प्ले की थी। दैट स्पीशीज ऑफ एलिफेंट हैड रिसेंटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द एरिया सो वी वर नॉट एबल टू सी इट। वो वाली जो स्पीशीज हैं एलिफेंट की, वो हाल ही में गायब हो चुकी हैं, इसलिए हम एबल नहीं थे उन्हें देखने के। एडवर्ड हैड नेवर फॉरगिवन एलिस, एलिस को उसने कभी भी जो है नहीं किया, माफ़ नहीं किया था। नाउ ही वॉज लिविंग हर, अब वो उसे छोड़कर जा रहा था। द कंपनी हैड सीरियसली कंसिडर मूविंग इट्स प्लांट टू साउदर्न ईस्ट वेस्टर्न यूरोप। सीरियसली गौर कर रही थी, यानी गौर किया था, हैड सीरियसली कंसिडर्ड कहते हैं गौर कर चुकी थी अपने प्लांट को मूव करने के बारे में। लूसिया हैड फ्रिक्वेंटली थॉट अबाउट रिटर्निंग टू हर होम। लूसिया अक्सर सोचती थी घर वापस लौटने का इन कोस्टा रिका बिफोर शी फाउंड अ जॉब इन न्यूयॉर्क में जॉब पाने से पहले। द हिस्ट्री क्लास मेंबर्स हैड यूजुअली वॉच्ड अ मूवी द डे बिफोर अ टेस्ट। यूजुअली अमूमन वॉच देखते थे मूवी टेस्ट से पहले। ये आपकी सॉल्यूशन थी, आप स्क्रीनशॉट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज को। नेक्स्ट सेंटेंस है, द न्यू सिटीजन्स हैड सोलेमली स्वॉर्न। स्वेयर की थर्ड फॉर्म स्वॉर्न है और सोलेमली संजीदगी से होता है, तो उन्होंने संजीदगी से कसम ली थी, यानी अहद लिया था देयर लॉयल्टी अपनी वफादारी का टू द कंट्री वतन से। व्हेन दे टुक द ओथ, जब उन्होंने ओथ कसम खाई, हलफ उठाना। द कार हैड स्टिल कॉस्ट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट होती है, इसकी साथ हम ईडी नहीं लगाते, इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट है। अगर आप लोगों ने कॉस्टेड कर दिया है बाय मिस्टेक तो उसको रिमूव कर दें। द कार हैड स्टिल कॉस्ट जेमी $15,000 इवन आफ्टर द प्राइस वॉज रिड्यूस, प्राइस के कम होने के बाद भी। ये तो आप लोगों की सॉल्यूशन थी लास्ट एक्सरसाइज की। अब आपने आज की होमवर्क में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। सेम एक्सरसाइज है, आपने हेल्पिंग वर्ब प्लेस करना है, फॉर्मर वर्ब को थर्ड फॉर्म में रिप्लेस कर देना है, नीटली अटेम्प्ट करना है। और जो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्यूशन जिसकी आज की है, आपने उसको लर्न करना है, ठीक है।